नमस्कार जयंत, आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने समझा था कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था तो 50 होते हैं प्रस्तावक और 50 होते हैं कि अनुमोदक, जो कि संसद के सदस्यों द्वारा ठीक है ये सब होते हैं। तो जो कि हमने कल हमने उसको बताया नहीं था। उपराष्ट्रपति में क्या है, यह राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति है भाग संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल ठीक है कितना 61 तक आता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति अगर पदों के क्रम में देखा जाए तो दूसरा बड़ा पद होता है। ठीक है, इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अगर हम इसकी योग्यताओं की बात करें तो इसकी योग्यताएं आती है आर्टिकल 66 का क्लॉज 3, और क्या कह रहा है कि 35 वर्ष इसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल ना होना चाहिए, ठीक है लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, ये इसकी योग्यता होती है। 20 इसके प्रस्तावक होते हैं और 20 इसके कौन होते हैं, अनुमोदक। ये कौन होते हैं, संसद सदस्यों द्वारा ही ठीक है ये जारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा बनती हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जबकि राष्ट्रपति में कितने होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब आर्टिकल 66 का क्लॉज 1, निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं, संसद के दोनों मनोनीत और निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। उसकी पद्धति क्या होती है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो मत प्रणाली के माध्यम द्वारा ही उसका इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमने पढ़ा था कि केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यों के एमएलए भाग लेते हैं। तो इनके इस राज्यों के एमएलए में इसमें न एमएलए न एमएलसी ही इसके का जो इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अगर इसके चुनाव का विवाद का जो भी मामला होता है, निपटारा होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक डायरेक्ट है आर्टिकल 71 होता है, जो कि आर्टिकल 71 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले हैं वे सब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही उनका इलेक्शन होता है। इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है, पद की अवधि 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष के पहले भी वह अपना रिजाइन दे ठीक है और अपना त्याग पत्र दे सकता है। पद की रिक्तता 5 प्रकार से होती है, मृत्यु होने पर होती है, स्वेच्छा से त्याग पत्र होने पर होती है, कार्यकाल का पूरा होने पर होती है ठीक है, या असंवैधानिक कार्य करने पर उसकी पद की रिक्तता होती है। इसके बाद पद उसको महाभियोग का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई वर्णन है। सिंपल सी बात होती है कि राज्यसभा में सामान्य बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पास होता है और लोकसभा उसका समर्थन करती है। ये प्रक्रिया होती है किसकी, राष्ट्रपति को पद से हटाने की। परंतु संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भाई राष्ट्र उपराष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लग रहा है, उपराष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लग रहा है, तो महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। शपथ की भाग लेता है, अगर हम शपथ की भाग ठीक चर्चा करें तो आर्टिकल 69 होता है। आर्टिकल 69 क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या कराता है, शपथ दिलाता है ठीक है। उपराष्ट्रपति का कोई कार्यभाग नहीं होगा, जैसे राष्ट्रपति का कार्यभाग कौन, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, परंतु उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कोई उसका कार्यभाग नहीं होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति का कार्यभाग का वर्णन उल्लेख नहीं है। वेतन भत्ते अगर हम बात करें तो उसको वेतन राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसके बाद पेंशन की जो सुविधा थी 1977 से दी जाने लगी है, 1997 से राष्ट्र उपराष्ट्रपति को पेंशन की सुविधा दी जाने लगी, इसके पहले नहीं थी। अगर हम कार्यों और शक्तियों की चर्चा करें तो अगर अब उपराष्ट्रपति का काम क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति बोले राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का सभापति, तो संसद की जो मर्यादा होती है, संसद का संचालन होता है, संसद में जो भी क्या कहते हैं विधेयक होता है उनको पास कराना होता है ठीक है। इसके बाद अगर संसद में कोई भी संसद सदस्य किसी प्रकार का व्यवहार जो गलत करता है या संसद की कार्यवाही में मतलब दखलंदाजी दे रहा है तो वह उसको बाहर भी निकाल सकता है। जब भी कोई
विधेयक पर मतों की गणना हो रही है, मत हो रहे हैं, और मतों का अगर आधार बराबर का हो तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। कि मतों में अगर समानता हो ना तो वह अपना निर्णायक मत देता है। कौन? राज्यसभा का सभापति, इट मीन्स उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो असंसदीय भाषा पर मतलब किसी प्रकार का कोई जो सदस्य है भाषा का दुर्व्यवहार पर जो है मतलब गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो संसद की जो मर्यादा है, संसद की जो गरिमा है उसको बनाए रखता है। मतलब संसद की जो जो संचालन की प्रक्रिया है उसमें क्या कहते हैं, जो जो सभापति है उसकी उसकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद जब वह जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही ठीक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति फिर राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। हाँ, उसको जो वेतन होगा, उसको जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति का दिया जाएगा, ना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का। समझो जैसे कि क्या है, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनता है तो वह राज्यसभा का पद सभापति नहीं होगा, उसको जो वेतन है वो राष्ट्रपति की दी जाएगी, ना कि राज्यसभा के सभापति की, पद सभापति की नहीं दी जाती है। उपराष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते होते हैं ना उपराष्ट्रपति के नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो उसको जो वेतन मिल रही है ना राज्यसभा की पदेन सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति की वेतन मिलती है। अगर राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति को देता, उपराष्ट्रपति इसको लोकसभा के स्पीकर को बताता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ कार्यभार शक्तियां थी। इसके बाद प्रमुख आर्टिकल कौन कौन से उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्या कहता है, उसके चुनाव संबंधी जो उसका चुनाव कैसे होता है, चुनाव वाला जो निर्वाचक मंडल है संसद के दौरान के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उसके चुनाव में भाग लेते हैं, उसका कार्यकाल आर्टिकल 67 में क्या, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 69 क्या, शपथ राष्ट्रपति उसको शपथ ग्रहण कराता है। आर्टिकल 71 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसकी देखरेख करता है। तो ये प्रमुख कुछ आर्टिकल थे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का टॉपिक ये सब ठीक है, जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे वो हमने सब बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा, एक चीज और इसमें कि एक बार 1969 में या 1977 में 1969 है उसमें यह हुआ था कि उसमें यह हुआ था कि राष्ट्रपति थे कौन, राष्ट्रपति थे एक ऐसा सीन होता है अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा, तो बीबी गिरी को, बीबी गिरी थी उपराष्ट्रपति, तो बीबी गिरी को बना दिया था ठीक है क्या राष्ट्रपति। अब जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, अगर उसकी भी मतलब किसी कारण भी मृत्यु हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल को देखता है, राष्ट्रपति के संचालन करता है। तो एम हिदायतुल्लाह थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये एक 1969 की कहानी में ये क्या बन गए थे, राष्ट्रपति के कार्यों को देखरेख करने लगे थे। तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे तो इस समय याद नहीं आ पा रहा। तो ऐसा सीन अगर होता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति के कार्यों की देखरेख करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।